So the topic is what? That is the chemical properties of metals and non-metal. So firstly, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि chemical properties होती क्या है. ठीक है, what are the chemical properties? Clear? So देखिए, chemical properties जो होती हैं किसी सब्सटेंस के उसके केमिकल नेचर में जब बदलाव आता है तब उसे क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या है कि जस्ट लाइक एक ऐसा गुण, ठीक है, जो हमें कब देखने को मिलता है, उसका प्रभाव जो होता है, ठीक है, उसका इफेक्ट हमें कब देखने को मिलता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है. ठीक है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस दौरान या फिर उसके रिएक्शन के होने के बाद, तो जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो हमें उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. ठीक है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक हीट ऑफ कंबशन है, जब आप कागज को जब जलाते हैं तो, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो जलता है. ठीक है, तो वो जब जलेगा तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी ना, और जब वो ऐश बनाएगा तो वो क्या है, एक नया प्रोडक्ट है. That is a what? Chemical change. वो एक chemical change है. तो chemical change को क्या कहा जाता है? Chemical reaction ही कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? New products form होते हैं. तो उसके nature में बदलाव है, उसके chemical nature में बदलाव है, उसके composition में बदलाव है. तो that is a what? Chemical properties. ठीक है, like अगर हम बात करें, अगर reactivity with water के साथ बात करते हैं, ठीक है, that is an example of chemical properties. जैसे मैं example बताती हूँ कि when what happen when an iron exposed to the what? That is oxygen in air. ठीक है, अब किसी लोहे के तवे को, ठीक है, आप ऑक्सीजन के अगर एक्सपोज में रख देंगे, एयर में अगर एक्सपोज में रख देंगे, तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड दैट विल फॉर्म द रस्ट. वो क्या बनाएगा? रस्ट बनाएगा. आपने जंग देखा होगा, उसके ऊपर लग जाता है, तो वो क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है. ठीक है, तो वो क्या है, रिएक्शन किसको बता रहा है? तो रस्ट इज अ व्हाट? दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? आयरन. ठीक है, जो कि आयरन, तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बता रहा है कि आयरन जो है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, रस्ट फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो वो किसकी रिएक्टिविटी है, उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव हुआ है. किसकी? आयरन की. वो प्रॉपर्टी किसको शो कर रहा है? दैट इज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. रस्ट फॉर्मेशन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. दैट इज अ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म. क्लियर? तो ये चीजें जो होती है, उसका वो गुण जो होता है, वो हमें कब देखने को मिलता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है. क्लियर? जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, और उस दौरान या फिर उसके बाद आपके उसके प्रभाव को देखने को मिलता है, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. जैसे एग्जांपल की बात करें, लाइक ए प्लस बी दैट विल गिव व्हाट? ए बी. ओके, तो व्हाट आर दीज? दीज आर द रिएक्टेंट्स. हम इन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं. ठीक है, जस्ट written on the what? That is, जिसे left side में लिखा जाता है, and it is what? That is known as the product. हम इसे क्या कहते हैं? Product कहते हैं. Clear? तो chemical reaction क्या होती है? जब जिसमें reactants आपस में combine करके क्या होते हैं? Product का formation करते हैं, एक different substance बनाते हैं. ठीक है? जिसमें क्या होता है? एक different substance बनाते हैं. तो that is what? That is chemical reaction. Okay? If we can define it, so what is the chemical reaction? You can see this one, chemical reaction. Okay, so we can define it what? That is a reaction involves a reaction involves what? That is change. Okay, change. The reaction involves change in which the substances are mixed. ठीक है, change in the properties of chemical properties. ठीक है, what in which we can say that involves a process in which reactants react and form या mix कह सकते हैं. ठीक है, form a different substance. जिसमें क्या होते हैं? In which reactants react and form a different substance and form a different substance. Okay, form a different substance. So they react to form something else. मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसी reaction जिसमें क्या होता है कि what? That is gives a new product.
ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए जो है एक रिएक्टेंट है और बी भी आपस में क्या है रिएक्टेंट, जब ये आपस में दोनों क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे तो दैट विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट सी प्लस डी। जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ठीक है तो इट विल गिव Fe2O3, ओके दैट इज द रस्ट। ओके क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। इट मींस ये क्या है, नया प्रोडक्ट बनाता है जो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को किसका है, आयरन की केमिकल रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्लियर? सो नेक्स्ट दिस वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ये बात समझ आई, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, द चेंज इन द व्हाट केमिकल नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज अ व्हाट, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ओके एंड द केमिकल रिएक्शन इन विच द टू सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके द फर्स्ट हमारे पास आता है अबाउट, अगर हम पहली बात करें बेटा द फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ठीक है, जनरली ऑल मेटल्स जो होते हैं सबकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ठीक है, बट उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन देयर नेचर या फिर रिएक्शन कंडीशंस पे कि किस कंडीशन में वो जनरली क्या होते हैं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम बात करें अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके द फर्स्ट इज दिस वन। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपको क्या करना है, सॉरी दैट इज मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद व्हाट ऑक्सीजन। ओके विद ऑक्सीजन के साथ जब वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ओके तो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। वो क्या बनाते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। ओके एंड विच आर व्हाट, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। अब हाउ, कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव अ मैग्नीशियम रिबन, वी हैव अ मैग्नीशियम रिबन। ओके सो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मैग्नीशियम रिबन बेसिकली क्या है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है बेटा ये एक मेटलिक, आप जानते हैं मैग्नीशियम क्या है, ये एक मेटल है, तो वी कैन से दैट इज अ मेटलिक एलिमेंट। ओके मेटलिक एलिमेंट है ठीक है, जिसको डक्टाइल या मेलिबिलिटी आप जानते हैं दोनों प्रॉपर्टीज को। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, इस मेटल को दैट इज मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, इसको बहुत रिबन के फॉर्म में बनाया जाता है, पतला ठीक है, थिन स्ट्रिप जो होती है इसकी फॉर्म की जाती है और रिबन के फॉर्म में इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है ठीक है, लपेटा जाता है एक तरह से कहा जाए तो आपको क्या करना है ठीक है, एक एक्टिविटी है तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है ठीक है। एंड व्हाट हैपन, आपको यूज इसको बर्न करने से पहले ठीक है, जब हम इसको बर्न करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब उसकी बर्निंग प्रोसेस होगी, कंबशन होगा ठीक है। तो इट मींस क्या है, उसको जलाने से पहले क्या किया जाता है, मेटलिक एलिमेंट दैट इज द मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। ओके सो जब मैग्नीशियम रिबन बेसिकली बेटा जब जलता है ठीक है, व्हाट हैपन, जब ये जलता है तो इसमें व्हाइट फ्लेम जो होती है ठीक है, व्हाइट फ्लेम जो होती है वो फॉर्म होती है। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बेटा सिल्वर व्हाइट कलर का मेटलिक एलिमेंट होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटलिक एलिमेंट होता है। जब वो फॉर्म यानी जब जलता है तो ठीक है, उसमें एक व्हाइट फ्लेम जो होती है वो फॉर्म होती है ठीक है, जैसे आपने फुलझड़ी देखी होगी जब वो जलती है ठीक है, तो उसमें व्हाइट फ्लेम जो होती है वो फॉर्म होती है। ओके क्लियर, तो व्हाइट फ्लेम जो होती है वो फॉर्म होगी, लेकिन इसको जलाने से पहले क्या होता है, क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर का मतलब क्या होता है, जो पेंटर्स यूज करते हैं एक तरह का पेपर होता है, हार्ड पेपर ठीक है, जो एक तरफ से क्या होता है, स्मूथ होता है और एक तरफ से क्या होता है, रफ सरफेस होता है उसका, और वहां एक सरफेस पे क्या होता है, सैंड जो होता है उसको अटैच किया होता है और उस चीज का इस्तेमाल जो होता है किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग ठीक है,
तो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से उसे क्या किया जाता है, व्हाट अबाउट क्लीन किया जाता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है बेटा, मैग्नीशियम ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, मेटल है ये जनरली, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये कंबाइन करके MgO बनाता है, दैट इज MgO, ठीक है, और ये MgO जो है फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या होता है, कंबाइन करके क्या बनाता है, दैट इज MgCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, स्मूथ करते हैं, ठीक है। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर सेपरेट हो जाती है, ठीक है, उसको हटा देते हैं, तब हम मैग्नीशियम रिबन को आसानी से क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है, उसको बर्निंग जो है उसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द लेयर, तो उसपे ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है, या दैट वी कैन सेट व्हाट अबाउट द बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है बेसिकली प्रेजेंट रहती है, क्लियर। सो बिफोर बर्निंग, ठीक है, वी सेपरेट दिस प्रोटेक्टिव लेयर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ओके, देखिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हमने अब सेपरेट कर लिया, अब नाउ वी व्हाट वी कैन डू, देयर इज व्हाट बंसन बर्नर व्हिच इज प्रेजेंट इन द जनरली लैब, ओके ओके, दिस वन इज, बंसन बर्नर, ओके क्लियर। एंड हम मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, ठीक है, जो कि एक पट्टी के आकार का होता है, मतलब थिन स्ट्रिप होती है इस तरह से, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट टोंग जो होता है वो हम यूज करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ने के लिए, ठीक है, ओके, दैट इज अ पेयर ऑफ टोंग, वी कैन से दैट अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, आपको लैब में देखने को मिल जाएगा ये, अगर आप क्लास में रहते तो आप बेटर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, ठीक है। सो पेयर ऑफ टोंग्स, ओके, बट इट्स नॉट पॉसिबल बेसिकली। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन, अगर हम दूसरी बात करें बेटा, तो जब हम क्या होता है कि जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट इज द फ्लेम, ठीक है, फ्रॉम द बर्नसन बर्नर दैट इज अराइजिंग फ्रॉम दिस वन, ओके, तो ये क्या होते हैं, जब जलती है तो उसमें एक व्हाइट फ्लेम जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है, दैट गिव्स अ व्हाइट फ्लेम। नाउ व्हाट हैपन, अब जलने के बाद क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन होती है मेटल विद ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, दिस वन, ओके, मैग्नीशियम when burn in oxygen, okay, it gives magnesium oxide, magnesium oxide, okay, that gives magnesium oxide, okay, तो magnesium जब oxygen में burn होगा, ठीक है बेटा, तो वो क्या बनाएगा, magnesium oxide form करेगा, ठीक है, so these are the reactants and this is a new product, okay, magnesium oxide is a new product, clear? तो वी कैन से दैट Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, दैट इज MgO, देखिए अब रिएक्शंस पढ़ेंगे इसमें बेसिकली, सो ओके, तो व्हाट इज इट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। तो ऑक्सीजन इट इज 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ हम 2 कर देते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाते हैं और मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो इट मींस हम यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नाउ व्हाट हैपन, अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, अब हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, ये क्या है बेटा, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हमारे पास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन फॉर्म हुआ है, ठीक है, सॉरी,
मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, जब कोई पदार्थ जलता है तो आपने देखा होगा ऐश बनता है, तो जब मैग्नीशियम जलेगा, ठीक है, उसके जलने के बाद उस पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा, ऐश फॉर्म होगा, ठीक है, दैट इज द ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड ऐश, ओके, एंड ऐश इज व्हाट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ऐश क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्लियर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, एंड अब हम इसके क्या करेंगे, इस ऐश को लेंगे, ठीक है, उस ऐश को लेंगे और उसे क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में उसे क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, क्लियर, अब हम उसे क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में जनरली डिसॉल्व करेंगे, एंड जब हम डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट द रिएक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ओके, दैट इज इन वॉटर, तो वी कैन से दैट Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, ओके, आई एम राइटिंग हियर, ओके, व्हेन यू डिसॉल्व, आप एक पेट्री डिश भी ले सकते हैं, सिंपल एक पेट्री डिश जो होती है, आप उसमें पानी लीजिए थोड़ा सा और उसमें ऐश जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का जो ऐश है आप उसे क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं इन विद वॉटर, आप वॉटर में डिसॉल्व कर दीजिए, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन बना दीजिए, व्हाट इज इट, नेक्स्ट द रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वॉटर, ओके, दैट विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या होगा बेटा, दैट इज फॉर्म होगा, ओके, तो वी कैन राइट, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, MgO प्लस दैट इज H2O विल गिव MgOH होल्ड ट्वाइस, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज द ऐश व्हेन डिसॉल्व इन वॉटर, ओके, दैट गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो अ न्यू प्रोडक्ट, जो कि उसकी क्या है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, किसकी, मेटल्स की, ओके, मेटल को जब हमने जलाया था, मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो हमारे पास क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, ठीक है, और जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, वी नो दैट बेस जो होते हैं और एसिड जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, और बेस क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस देते हैं, क्लियर, और जो बेस होते हैं वो बेस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ये आपने सेवंथ क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, एसिड और बेसिस के बारे में, ठीक है, सो व्हाट इज इट, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया था OH दैट इज हाइड्रोक्साइड है, और जब कोई दो एटम आपस में एक साथ होते हैं तो उसको क्या है, ब्रैकेट में हम जनरली लिखते हैं, क्लियर दिस वन, अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, लिटमस पेपर, क्लियर, सो व्हाट इज द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर बेसिकली, विल यू टेल मी, देखिए नेक्स्ट क्या है, जब हम न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड वी टेस्ट विद द ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस, ओके, रेड लिटमस, ओके, सो व्हाट द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कौन से कलर में चेंज होगा, तो जब हम इसको ब्लू लिटमस पे चेंज, इसका ड्रॉप जो है इसके, ठीक है, ब्लू लिटमस के ऊपर अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो देयर इज अ नो चेंज इन द कलर, व्हाट, देयर इज अ नो चेंज, उसमें कोई चेंजेबिलिटी नहीं आएगी, बट अगर हम इसका ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं, ठीक है, या रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं, दैट विल टर्न इनटू द ब्लू कलर, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ब्लू कलर में चेंज होता है, इट मींस क्या होता है कि बेसिक टर्न्स व्हाट, रेड लिटमस टू द ब्लू, तो
तो बेसिक जो होते हैं, ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ब्लू सॉरी रेड लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो नेचर है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर है, ठीक है, वो क्या है, बेसिक है। द नेचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, दैट इज अ बेसिक, ओके, एंड व्हिच इज अ बेस, वो क्या है, बेस है। तो वी कैन से दैट व्हाट, व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तभी तो वो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं किसके, मेटल्स के, वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। मेटल व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स, ओके, लाइक आई एम गिविंग द एग्जांपल, ये क्लियर हुआ आप लोग को, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज वी कैन से दैट मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, with oxygen forms what, that is basic oxides, basic oxides, clear। now the next one, अब sodium metal की बात करते हैं, ठीक है बेटा, sodium is the most reactive metal and is usually react with the oxygen, okay, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसे रूम टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट, इट फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड, दैट इज द सोडियम ऑक्साइड, Na plus O2, ठीक है, विच वन, दैट इज Na plus O2, दैट गिव्स Na2O, विच गिव्स Na2O, मींस ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है और व्हाट, सोडियम के एक एटम प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो व्हाट इज इट, 4Na, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे 2 कर देते हैं, दैट इज ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए और 2 2s of 4, मतलब सोडियम के 4 एटम्स हो गए, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, क्लियर, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, ओके। एंड वट दैट इज, अगर हम कह सकते हैं इट इज, क्योंकि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स, ये क्लियर हुआ। नाउ वट इज इट, दैट इज सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, क्लियर, दैट इज सोडियम मेटल एंड दिस वन इज द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स, आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस तरह से क्या फॉर्म बनेगा हमारे पास नया प्रोडक्ट, दैट इज द सोडियम ऑक्साइड और द बेसिक ऑक्साइड विल फॉर्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, देखिए जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जिंक प्लस ऑक्सीजन विल गिव ZnO, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, दे विल कैंसिल विद ईच अदर, ओके, एंड दैट्स व्हाई ZnO विल फॉर्म, एंड हियर द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, ओके, सो वी कैन गिव 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 जिंक एटम्स, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम भी हो गए और जिंक के एटम भी हो गए, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए और जिंक के यहाँ 2 एटम्स हो गए, इट मींस ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इज जिंक, दैट इज ऑक्सीजन रिएक्ट विद, तो फॉर्म क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ये भी किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्लियर, ये चीज समझ आई आपको। एंड नेक्स्ट वन इज मेटल्स, अगर गोल्ड की बात की जाए बेटा, गोल्ड की बात की जाए तो दे आर हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, एंड दे आर व्हाट, अनरिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव, वी कैन से दैट दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल, ओके, दे आर व्हाट, नॉन रिएक्टिव मेटल, क्लियर। तो नॉन रिएक्टिव मतलब क्या है, कि दे डू नॉट रिएक्ट विद व्हाट, दैट इज एयर वाटर, ओके, प्रेजेंस या एयर वाटर के वेपर के साथ क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, या किसी अदर गैस जो होती है एटमोस्फेयर में जो प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करते, तो डू नॉट रिएक्ट, ठीक है,
डू नॉट रिएक्ट विद व्हाट दैट इज एयर वाटर वेपर ओके एंड व्हाट दैट इज अनदर गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है किसमें किया जाता है ज्वेलरीज या अदर ऑर्नामेंटल थिंग्स में किया जाता है या डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में किया जाता है ओके डेकोरेटिव आर्टिकल्स ठीक है ये चीज क्लियर हुई नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट फॉर दिस रीजन गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं लुक डिफरेंट ठीक है जिसको हम काफी समय तक काफी सालों तक बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं आसानी से ठीक है यूज कर सकते हैं उसको वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं कहा जाए तो ओके सो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं बेटा तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड्स वो क्या बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ठीक है सो कंप्लीट नहीं होगा वैसे इसमें देखिए फर्स्टली हमारे पास क्या है अभी तक हमने कितना पढ़ा कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ओके दे विल फॉर्म MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड्स ओके एंड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर विल फॉर्म व्हाट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स दीज आर द रिएक्शंस ओके ये मैं और फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा सोडियम व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट विल गिव सॉरी सोडियम ऑक्साइड ठीक है Na2O एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट द कॉपर सॉरी दैट वन इज द जिंक ओके जिंक व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट विल गिव जिंक ऑक्साइड ओके सो मेटल्स जनरली व्हेन दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर ओके दैट फॉर्म द अनदर सब्सटेंस which is basic in nature. If you talk about in the magnesium, okay, magnesium hydroxide जो होता है वो form होता है. तो अगर हम lab में practical करते हैं, experiment करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? Magnesium ribbon लेते हैं, उसके tip जो होती है, जहाँ से उसे burn करना होता है, उस magnesium ribbon को पहले हम अच्छे तरीके से साफ करते हैं, clean करते हैं उसको, ठीक है? ताकि उसके ऊपर जो protective layer है, मैंने आपको बताया oxide की जो protective layer होती है, उसको separate किया जा सके, क्योंकि इस तरह से वो burn नहीं होता है. जब तक हम उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाएंगे नहीं तब तक वो बर्न नहीं होगा ठीक है और जब प्रोटेक्टिव लेयर जब हम उसे प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर देते हैं उसको हटा देते हैं तब हम जब उसे बंसर बर्नर पर या कैंडल पे आप कह सकते हैं कैंडल पे जब उसे बर्न करते हैं तो उसमें एक स्पार्क जो होता है डेवलप होता है एंड उसके साथ साथ लाइट और हीट जो होती है वो जनरेट होती है ठीक है बेटा तो ये कम्बशन प्रोसेस जो होता है वो एक तरह का क्या है केमिकल रिएक्शन ही माना जाता है ठीक है केमिकल रिएक्शन है तो जब वो फॉर्म होता है जब वो जल जाता है प्रॉपर तरीके से ठीक है तो वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको ऐश कहते हैं उसका ठीक है तो वो ऐश जो होता है वो क्या होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश होता है ठीक है और जब हम उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं ठीक है वाटर में उसको जब हम डिजोल्व करते हैं उसका सोल्यूशन बनाते हैं एक्वा सोल्यूशन कह दीजिए ठीक है तो क्या होता है कि उसके साथ क्या फॉर्म होता है एक नया प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और फिर उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करते हैं लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं लिटमस सॉल्यूशन से ठीक है तो वो ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता मतलब उस कलर उसके ब्लू कलर में कोई चेंजेबिलिटी नहीं आएगी लेकिन जब हम रेड कलर के साथ करेंगे ठीक है रेड लिटमस पेपर के साथ करते हैं तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होता है ठीक है और फिर इस तरह से ये शो होता है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था ठीक है वो किस नेचर का था बेसिक नेचर का था ठीक है एंड इट इज अ बेस ठीक है विच इज बेस तो हम इस तरह से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो किस नेचर के होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं ठीक है तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो किस नेचर के फॉर्म होंगे बेसिक नेचर के होंगे मतलब दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स ठीक है लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए ठीक है तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं दे फॉर्म व्हाट एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं क्लियर ये चीज समझ आई आपको ओके सो उसी तरह से मैंने दो एग्जांपल्स दिए लाइक सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है ठीक है क्लियर इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस वन यू कैन आस्क टू मी